नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक युवती के बैंक खाते में आए 10 करोड़ रुपए। युवती के खाते से अब तक हो चुका है 17 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन। हालांकि बैंक का कहना है कि युवती के खाते से 10 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं युवती का कहना है कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के दिलाने के नाम पर कानपुर के रहने वाले एक युवक को अपना बैंक डॉक्यूमेंट्स के अलावा जरूरी कागजात दिए थे। जब बैंक में गई तो उसे बताया गया कि उसके खाते में करीब 10 करोड़ रुपए हैं, जिसके बाद उसने उसकी जांच के लिए पुलिस में शिकायत की है। बांसडी थाना क्षेत्र के रकुनपुरा गांव की रहने वाली युवती सरोज है, जिसका इलाहाबाद बैंक में खाता है। युवती का कहना है कि जब वो बैंक में अपने बैलेंस की जानकारी लेने गई तो उसे बताया गया कि उसके खाते में 10 करोड़ रुपए है, जिसके बाद युवती द्वारा पुलिस को तहरीर देकर इस मामले की जांच की मांग की गई। युवती ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि उसने प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कानपुर के रहने वाले किसी नीलेश नाम के व्यक्ति को अपने बैंक डिटेल और डॉक्यूमेंट्स दिए थे और बाद में एटीएम कार्ड भी दे दिया था। हमारा नाम सरोज है। पिताजी का नाम? सुबेदार साहनी। कहाँ के रहने वाले हैं? रुकनपुरा के। क्या मामला है सर? हम 24 तारीख अगला महीने में 24 तारीख हमने गए अपना खाता चेक करवाने। हमने सोचा कि मोदी जी दे रहे 500 रुपया, तो इसीलिए मैंने खाता चेक करवाने गए। कौन सा बैंक में? इलाहाबाद बैंक में। कहाँ पे? अपने गांव मार्केट में छोटे बैंक पे गए। बड़ा बैंक आपका कहाँ पर है? बड़ा बैंक बास डिफर है जी। तब क्या हुआ? तब वो बोले कि जाकर बड़ा बैंक में समझ लीजिए। तो हमने बड़ा बैंक में गए तो वहाँ पर जाँच करवाए तो उसने हमको फ्रॉड कहा। किसने फ्रॉड कहा आपको? बैंक मैनेजर ने हमको फ्रॉड कहा और बोला कि तुम फ्रॉड लड़की हो। वो हमारा पासबुक और आधार कार्ड के फोटो कॉपी रख लिया एक हफ्ता तक ले और एक हफ्ता हमको फ्रॉड हो रखे। उसको बात को हमने कान नहीं किया, उसको वो गाली को हमने जवाब नहीं दिया। वो गाली दिया हमको, फ्रॉड कहा और बोला कि तुमको जेल फांसी सब कुछ होगा। हमने कहा कि सर हमको जेल फांसी क्या होगा, तो क्यों होगा? तो कहते कि हम भी बचा सकते हैं, हम भी चाहेंगे तो तुमको जेल करवाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे बोल के हमारे पासबुक और आधार कार्ड रख ले लो, आधार कार्ड के फोटो कॉपी या पासबुक के फोटो कॉपी रख ले लो, कॉलेज के हमें एक हफ्ता बाद बुलाएं। एक हफ्ता बाद गए के बाद कहानी कि सर इसको जांच पड़ताल किए कि पैसा कहाँ से आए हैं। कितना पैसा रो खाता में आयल? 10 करोड़ रुपया में कुछ रुपया कम बा। अच्छा। तो बोलनी कि सर इसको जांच पड़ताल किए कि पैसा कहाँ से आए हैं। तो कहते कि हम नहीं जानते कि पैसा कहाँ से है। हम कहते सर हम यहाँ पर खाता खुलाएं तो ही ना हम पूछेंगे कहाँ से पैसा है। तो बोले कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो हमने भाभी को लिया कर गए तो भाभी को भी उल्टा सीधा बोल दिया कि आप भी इस बीच में मत पड़िए, नहीं तो आप भी जेल जाओगी, आपको भी जेल फांसी सब कुछ होगा। तो यही तो बात है। अगर जब आपको पता चला कि आपके खाते में 10 करोड़ रुपया आ गया तो उसके बाद आपने क्या किया? किसके पास गई, कहाँ पर एप्लीकेशन दी आपने? पुलिस चौकी। पुलिस भाभी को थाना लेकर गए, भाभी को लिया कर थाना गए। भाभी हमारी थाना में एप्लीकेशन लिखवा कर डाली जी। हाँ, तो थाने से दिया। उसके बाद क्या हुआ, थाने वाले क्या बोले आपसे? थाने वाले कुछ नहीं बोला। वहीं इस मामले में बैंक का कहना है कि युवती का खाता 2018 में खुला था और इस समय उसके खाते में महज 5,000 रुपए हैं और अब तक 17 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसके खाते से 10 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई गई है। युवती को सुनने में कंफ्यूजन हुआ होगा। इस मामले में युवती द्वारा 10 करोड़ रुपए खाते में होने की बात और बैंक द्वारा 17 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की बात को लेकर पुलिस को तहरीर देकर जांच की मांग की है। आखिर ये पैसा और ट्रांजैक्शन कहां से हुआ है,